आइए भाई आइए। फोटो खींचा था कि नहीं साहब? कहाँ रह गए? हमको पकड़ लेगा वो? अरे ऐसे हमको कैसे पकड़ लेगा भाई पुलिस वाला? पकड़ तो लेता, मुझे लगा तुम्हें गए, तुम लोग गए, तुम्हारी तरफ बढ़ा ना, हम कहे गए लगता तुम, हम तुरंत कट मार निकाल दिए। तुम किधर से आए? किधर से? इधर से। हम तो इधर ही से आ गए, सामने से ना। हाँ, तीन चार। हमें लगा सीधे ही आए हैं। तीन चार। फोन साइलेंट में साले। अरे हम 5 बजे आके जो है खड़े हो गए, म्यूट कर रखे हैं, साइलेंट में भी नहीं है। खींचे फोटो दोनों, खींचे अब पता नहीं खींचे खींचे, हम क्या बड़ा अच्छा आना चाहिए कैसा दिखे, चालान कटे अच्छी फोटो आए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये ना हो कि घर वाले भी कह साले भाग रहे थे चोर के से, वो गाड़ी दम दी थी वही। सुन लो ना, सुन लो, वो समझा जो है चालान चालान का फोटो खींचा, अच्छी फोटो है, कटा होगा भाई, कटा नहीं पता नहीं हमारा खींच पाए कि नहीं, नंबर पे गाड़ी वो भी चेक करना पड़ेगा। मेरा चालान जो कटा था वो 82 पे कटा था, फोटो आई 82 पे नहीं कटा, नहीं होगा 2000 का था। किसका किसका खींचा है? ये जो है इनका सीन क्या था, ये जो है स्कॉर्पियो चला रहे थे 150 और उतने में इनके अब्बा मोबाइल में मैसेज आ रहा है चालान कट गया आपका 82 की स्पीड में। अब्बा कह रहे हैं गाड़ी तुरंत धीमी करो, नहीं तो इसका भी कटवाओगे। उनको लगा इसी का ही कटा है, इस पे दे रहा है बरेली वाले, उनको लगा इसी के कटा है। हां इसके 100 सबके 100 सीन कट गया यार। सही सही याद नहीं आते, एक नया मजाक हो गया यार। वैसे मेन यार टेंशन है मेरी, बहुत ज्यादा प्रेशर था ना घर वाले, मुझे बहुत गई है। मैं बताऊं? नहीं इन्हें ज्यादा, मैं इन्हें ज्यादा शौक पड़ा था कुल्ला लड़ाने का, लौटते रहते कुछ नहीं होता, मगर ये तुम्हारे अंदर से आते तब ना, क्या बताएं वाले को कटे नहीं उसाला काटा जिसे कहे भी, ये कह रहे चलो वो हमारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, जो था वो था ही नहीं, हमारा नहीं कटेगा, हम निकल गए थे वहाँ बहुत साफ निकल गए। सुनान तो नहीं कटा होगा बाबू, फोटो खिंचाने के बाद इनको रोका होता ना, इनकी गाड़ी ले लिया होता, नंबर प्लेट देखिए कौन सा है। अरे एक कॉल की गाड़ी वापस, इमरान अंकल जानते नहीं हम उठते तो फोन मामू करते, जो कटता वो भी नहीं कटता। इमरान अंकल नहीं जानते हो जो आते हैं मस्जिद में मास्क बांध के आधे घंटे में छुड़ा देते गाड़ी। मकसूद भाई, यूपी है भाई, मकसूद भाई भी काफी थे। सफेद पुलिस अगर रोके तो जान लो चालान कट गया, अगर वो वाली पुलिस रोके वर्दी वाली तो वो जान लो चालान नहीं कटा, वो नहीं कटा रहता है। तो भाई आज इंतजाम है, एक ब्लॉगर अपने साथ और आ गए। इंतजाम जो है कि बर्खास्त जो है बहुत दिनों से चल रहा है, बर्खास्त वही वाली मंदी जो है आज घर पे बनवानी। मंदी कैसे बनती? हम तो जो है तो बकरे की ले रहे हैं, बकरे की पूरी रान है पीछे वाली ले लिए। मंदी नहीं जानते हो? बर्खास्त जानते हो? बर्खास्त सुन रहे हो आजकल? तो जमात की दावत में जा रहे हैं, मंदी नहीं पता। तो भाई बर्खास्त की जो मंदी मिल रही है भाई 1400-1500 रुपये की, उस मंदी को जो हम लोग आज बना रहे हैं अभी, लेकिन पड़ वही गया समझे, पड़ वही गया, खत्म खत्म। तुमको दिखाएं? अरे यार बात क्या कर दी आप, ये देखो मेरे क्लास के यार है वो खा गया है। मैंने 2 ली थी 500-500 वाली, तब 1 क्वार्टर फ्री मिली, कोई गया था क्लास के सीआर है। अरे तो हो तो गया 1000 रुपये, 2 रुपये वाला कहाँ रह गया ये बताओ, तुम तो 2 रुपये वाला कह रहे हो, 2 खत्म। ये बताओ बसो है कहाँ है ये सर? साइट श्री राम टावर के बगल में भाई, मेरा दोस्त गया उसे मिली है। तो गाइस चाय जो है अपनी आ गई है। अबे ब्लॉग बंद कर, हमने बात देना ब्लॉग। अरे आप भी, आप तो फोकस में ले रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं? आज मुझे तेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझसे पूछ रहे थे कहाँ है, तो ब्लॉग में आ रहे, एक दिन वो आए कल हमको फ़ोन भी किया था ताजीम, ताजीम में शूट हो रहे हैं इसमें, ताजीम हमसे कहे कहाँ भाई मास साहब, हमको हमसे कहे कि कहाँ मास साहब के लोग घूम रहे हैं, हम रोज़ चाय पीते हैं हम तो,
अब दिखाया मुझे स्नैप पे भेजा था। थोड़ा सा जो मसाला बचा है इसके इस कट पीस में हम लोग भर देंगे। तो गाइस अभी जो है करीब 2 घंटा तो हो गया है, 3 घंटे तक मैरिनेट करना था, 2 घंटा हो गया है भाई, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम भी हो गया है, 8 बज गया है। तो भाई चलते हैं उसको देखते हैं, मैरिनेट हो गया और प्याज वगैरह हमने तैयार कर ली है। अब बस ये देखो भाई इसको जो है इसमें ये अपना मैरिनेट जो किया है ये रहा भाई, एक नंबर मंदी अपनी तैयार होने जा रही है। ये मैरिनेट हुआ, ये पीछे वाले जो है पूरा गोश्त है, इसको जो है अब इसमें जो है हमने प्याज वगैरह वो कर लिया है, इसमें जो है डाल दे रहे हैं हम। तो भाई बस प्याज होने ही वाली है, प्याज होने के बाद इसको हम इसमें जो है डाल के तैयार कर देंगे। बिल्कुल जो है इसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे जैसे कि बर्खास्त वालों की मंदी तैयार होती है भाई, एकदम वही मंदी मुझे तैयार करनी है। बर्खास्त वाले लोग बर्खास्त जा जाके मेरा दिमाग खराब करते हैं भाई, उसके बाद बता रहे 2 रुपये मंदी मिल ली, वो खत्म हो गया, वो अभी भी लोग जा रहे हैं भाई। ये बर्खास्त वालों का एक प्लान था भाई कैसे बेचें, 1 दिन 2 दिन ऑफर दिया था 18 और 19 तारीख को, जिसमें से सिर्फ 1 दिन जो है उन्होंने ये ऑफर था नीचे छोटा छोटा लिख दिया भाई कि 100 लोग से ज्यादा हम नहीं देंगे मंदी, और उसके बाद अभी भी लोग जा रहे हैं भाई, उन लोग को जो है 500-500 रुपए का अगर ऑर्डर कर रहे हैं हाफ हाफ तो उसमें जो है क्वार्टर मंदी जो है फ्री दे रहे हैं भाई, क्या फायदा भाई ऐसी मंदी करने का। 1000 रुपए का हम ये देखिए भाई 800 रुपए का घोसला है, बाकी 1000 रुपए में 2 किलो चावल लेकर भाई आराम से मंदी खाओ, कम से कम 2 किलो मंदी, और 2 किलो मंदी उन लोगों की मंदी के हिसाब से भाई कम से कम हो जाएगी 2-3 प्लेट फुल मंदी भाई। ये जो हमारा तैयार हो गया है प्याज हमारी तैयार हो गई है, इसमें जो है डालने जा रहे हैं, बस भाई थोड़ा सा और बची है, पूरी प्याज जो है ब्राउन हो जाए तब जो है इसको डालें भाई, होने वाला है। और इधर जो है अपना जो है चावल तैयार हो रहा है, पानी में चावल को भी आधे घंटा जो है कम से कम पानी में रखा जाता है जिससे चावल फूल जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो चलिए जो है अब डालने के वक्त ही वीडियो हम बनाएंगे, थोड़ी देर बाद हो जाए। तो गाइस अब इसमें हम जो है डालने जा रहे हैं अपनी ये जो है मैरिनेटेड गोश्त जो है इसको जो है इसमें इस तरीके से कुछ, ओ भाई इसमें जो है रोस्ट करने का तरीका यही है, रोस्ट करने पे होगा ही नहीं तो जो है जैसे मतलब वो लोग करते हैं मतलब वो क्या कहते हैं हंडी में डाल के करते हैं ना, वो तो होगा नहीं करते। तो जो है इसी तरीके से पका के अब ओवन में ही जो है जो रोस्ट हो सकता है ओवन में पकाने के बाद ही, बस ये डर है कि टूटे ना ये इसमें भाई, बर्बाद हो जाएगा पूरा गोश्त। तो चलिए अब जो है चलते हैं, बनने के बाद जो है पूरा सेट करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली जो है हमारा तैयार हो गया है जो भी चीज़ हम लोग बना रहे थे मंदी, और सबसे पहले इसको जो है प्लेट में निकालने से पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह से तैयार हुई भाई। ये कुछ इस तरह से हमारी उसका क्या कहते हैं चावल तैयार हुआ है, और ये जो है इसका पूरी हमारी रांत जो है इधर तैयार हुई। अब इसको बस 2 मिनट बाद जो है इस हम जो है इस बड़ी सी प्लेट में जो है इसको जो है इसमें निकाल करके, हमारे पास वो उनकी वाली प्लेट तो है नहीं भाई, क्या कहते हैं उसको जो भी रहती है थाली रहती है ना थाली भाई, तो थाली तो हमारे पास है नहीं। अब जो है हम जो है इसी में इसको जो है निकालेंगे, और निकालने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारा फाइनल लुक आता है। बहुत मेहनत किया करीब 6 बजे से लेकर के आज जो है अभी क्या बज रहा है 9 बज गया, उसके बाद 9 बजे के बाद अब जाके तैयार हुआ भाई। इतने इसमें तो सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको मैरिनेट करने के बाद 3 घंटा रखने। चलिए फटाफट आपको जो है हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का हमारा टेस्ट है। तो गाइस फाइनली हमारा जो है बन के तैयार हो गया है, इधर आपको देख सकते हैं भाई, ये देखिए अपना जो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। तो जिस मंदी का हमें इतना इंतज़ार था
मंदी हमारी बन गई। इसको जो है टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। एक नंबर मंदी बनी भाई, इतनी जोरदार मंदी है। इसका जो है इसका थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। ये तो भाई टूट गया था, इधर से क्या करें, किधर से खाएं। कितना जबरदस्त है भाई, घर घर का बना है, एकदम एक नंबर लाजवाब बना है। इधर रायता वगैरह सब अपना जो है, बस आप ही बताइए कि किस तरह से बना है। और क्या बताएं भाई, इसका जो है थोड़ा सा ये देखिए भाई, एक नंबर जो है ये गल गया है पूरा गोश्त आराम से। बहुत लाजवाब भाई, मेहनत फुल काम किया है हमने आज। मंदी ऐसी बनी है क्या बताएं। वहां से जो अगर आपको टेस्ट आ रहा हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए भाई सब लोग की कैसा बना है। कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा हमारी इस मंदी को, हमारी इस मेहनत को। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ और ऐसा ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर के।